अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वक्कार खान। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। यस कावा J1000 इन्वर्टर या VFD, बहुत सारे दोस्तों को इसके पैरामीटर्स के बारे में नहीं मालूम। इब्तदाई पैरामीटर्स के लिए मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं। बहुत सारे लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि यार मोटर रन नहीं कर रही, मोटर की स्पीड कैसे बढ़ाएं, बग़ैर वॉल्यूम की स्पीड कैसे बढ़ानी है, और लोड नहीं उठा रही वगैरह वगैरह। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। J1000 की सेटिंग करने के लिए आप इसे ऑन करेंगे, डाउन का बटन दबाएंगे एक या दो मरतबा, PAR पैरामीटर्स इसे एंटर करेंगे, A101 आ जाएगा। इसे आपने B101 पर करना है, ठीक है? ये रीसेट को करेंगे हम तो ये फिगर पलटाएगा। B101 ये फ्रीक्वेंसी कमांड है, ये इस वक्त कीपैड पर है। अगर इसको आप 1 पर कर देंगे तो बाहर एक्सटर्नल वॉल्यूम लगा सकेंगे, अदरवाइज़ अगर इसको 0 पर सेट करके इंटर कर देंगे तो कीपैड थ्रू आपकी स्पीड कम या ज़्यादा होगी। फिर आ जाएं B102 पर, इसे आप एंटर करेंगे तो ये देखें एक सेट है। तो जो एक्सटर्नल इसकी वायर्स होते हैं ऑन करवाने के लिए, ये बताता चलूँ रंड कमान है, ठीक है? अच्छा, इसे जब हम 0 पर सेट कर देंगे ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है? अब आ गया C101, ये आ गया एक्सीलेशन टाइम, ठीक है? यानी कि आपकी मोटर अगर 60 हर्ट्ज पर चल रही है या 50 हर्ट्ज पर चल रही है, जिस स्पीड पर भी चल रही है, जब आपने उसे रन किया तो 0 से उसने उस 50 हर्ट्ज तक कितनी देर में जाना है, ये वो टाइम है, ठीक है? इसको आपने मर्ज़ी से सेट करना है। ये C102 ये डी एक्सीलेशन टाइम है। जब आप स्टॉप करते हैं तो अगर 60 हर्ट्ज पे चल रही है तो उसने 0 पर कितने सेकंड्स में आना है, यहाँ उसकी सेटिंग है, ठीक है? अच्छा, कोई भी पैरामीटर चेंज करेंगे तो इंटर लाजमी दबाएंगे। उसके बाद आ जाएं आप C401 पे, सॉरी, ठीक है? ये ख़ास सेटिंग है, ज़रा समझ लें। इसे आपने 2 पर करना है और इसे 5 पर, यानी कि 2.50 पर इसे सेट कर देना है, ठीक है? और इसके बाद आपने आ जाना है एल सीरीज़ में, L601, ठीक है? इसे आपने 04 पर कर देना है, डन, ओके हो गया। ये जो दो पैरामीटर्स मैंने बताए हैं C401 और L601, ये मोटर की ताकत बढ़ाने के लिए हैं। बाज़ुकात होता ही है कि हम स्पीड कम करते हैं, हर्ट्ज़ कम करते हैं तो मोटर बैठ जाती है, रुक जाती है। अच्छा, अब देखें, अब एक स्पीड की पैड से कम हो रही है, ठीक है? इसे हम जहाँ मर्ज़ी कर लेंगे और उसके बाद एंटर कर देंगे, यानी कि 30 पे चल रही है तो एक दफ़ा आपने एंटर करना है तो ब्लिंक करेगा। अगर आपने पॉइंट्स में कम करना है तो पॉइंट्स में भी होगी, जिस पॉइंट पे सेट कर देंगे वहाँ सेट हो जाएगी, वॉल्यूम की तरह टप्पा नहीं मारेगी, डैट्स ऑल। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।